सभी लोगों को प्रणाम। मंच पर आसीन सम्मानित विद्वज्जन और सभागार में मौजूद मीडिया और इंदौर के प्रबुद्धजन, ओम प्रकाश भाई जी की स्मृति को नमन करता हूँ। मेरा कभी उनके साथ सानिध्य नहीं रहा, मैं बाद में इंदौर आया, बाहर था, लेकिन उनके बारे में जानता हूँ। कर्मयोगी थे, उनकी उपलब्धियाँ अद्भुत हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत प्रचलित और महत्वपूर्ण विषय है मीडिया और राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है, इस पर पिछले वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की है। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई राष्ट्र नहीं बनता। सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय बनाना, कार्यालय बनाना, मेट्रो चलाना, रेल की पटरियां बिछाना, ये सरकार का काम है और सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से इसे कर भी रही है। हमारी सनातन जीवन शैली में राष्ट्र की बिल्कुल अलग अवधारणा है। एक ऐसा समाज जिसकी नींव भारतीय मूल्यों पर बनी हो, जिसकी जीवन शैली में भारतीय संस्कार, सनातन संस्कार पुष्पित पल्लवित होते हो, सब प्रेम और ईमानदारी से सद्भावपूर्वक रहते हों, ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना हमारी जीवन शैली में की गई है। तो ऐसे राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहली भूमिका तो परिवार की ही होती है। आज हर मंच पर यह चिंता व्यक्त की जाती है कि भारतीय समाज अपने संस्कार भूल रहा है, संस्कारों को तिरोहित कर रहा है। तो अच्छा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब मिट्टी कच्ची होती है, जब उसे गढ़ा जा रहा है, उसी वक्त बच्चे में संस्कार दिए जाएं। देश में आर्थिक उदारीकरण आने के बाद यह संकट बढ़ा है, क्योंकि अब हम, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सिर्फ भारत की सीमा में नहीं बंधे हैं, पूरी दुनिया का विकास, पूरी दुनिया की जीवन शैली, खासकर पश्चिमी देशों की जीवन शैली जिन्होंने बहुत भौतिक विकास किया है, वो हमारे नागरिकों, हमारे बच्चों को भी आकर्षित करती है। ऐसे में सबसे पहले परिवार यानी माता पिता और उसके बाद शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम किसी सरकार के सहारे ना रहें, ये जिम्मेदारी परिवार और शिक्षकों को उठानी चाहिए कि हम अपने देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करेंगे, संस्कारवान नागरिक तैयार करेंगे, भारत के और सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास रखने वाले और उनका अनुसरण करने वाले नागरिक तैयार करेंगे।
जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, उसका चरित्र भी बदलता है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी। उस समय मीडिया भी क्रांतिकारियों की शैली में अपना काम कर रहा था। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 75 साल में देश ने हर क्षेत्र में बहुत विकास किया है। पूरी दुनिया में भारत की इज्जत है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, महाशक्तियों के प्रमुख, हमारे देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका सम्मान करते हैं, उन्हें अपने साथ खड़ा करते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। लेकिन चुनौतियां हैं हमारे सामने, आंतरिक चुनौतियां हैं, और उनमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक सपना जिसका बार बार उल्लेख होता है, आज भी हुआ, एक दो वक्ताओं ने आज भी इस मंच से किया, विश्व गुरु। ये खतरा है कि ये जो जुमला है विश्व गुरु, या ये जो संज्ञा है, ये कहीं जुमला बनकर ना रह जाए। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, हमने खूब तरक्की की है, लेकिन विश्व गुरु बनने के मायने अलग हैं। हम बहुत अच्छी ट्रेनें चलाकर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। विश्व गुरु का मतलब है एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया को रोशनी दे, पूरी दुनिया को अच्छा जीवन जीना सिखाए। उस दिशा में अभी बहुत काम होना है, और अभी हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, और जो बड़ी चुनौतियां दिखती हैं और जिनमें मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ऐसी कुछ चुनौतियों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे बड़ा संकट है शिक्षा का। विद्यालयों की संख्या बहुत बढ़ी, शिक्षकों की संख्या बहुत बढ़ी, शायद विद्यार्थी भी बढ़े, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर प्राथमिक शिक्षा का मैं जिक्र करूंगा, उसके क्षेत्र में गुणवत्ता का पहुंच का और असमानता का संकट बना हुआ है। पिछले 3-4 दशकों में विचित्र विरोधाभास हुआ है। शिक्षा के नाम पर काम तो बहुत किया गया है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली गई है, और स्थिति यह है कि बच्चों को विद्यालय में रोकने के लिए भोजन का प्रलोभन देना पड़ रहा है। यानी शिक्षा के प्रति एक जो सहज लालसा होनी चाहिए थी, जो आकर्षण होना चाहिए था, उसमें कमी आई है। इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षक जिम्मेदार हैं। एक जो गुरु की महिमा थी, जो शिक्षक का सम्मान था, वो सब लोग जानते होंगे, मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूं, सब महसूस करते होंगे। समाज में शिक्षक का सम्मान घटा है, विद्यार्थियों की नजर में शिक्षक का सम्मान घटा है,
और हम कम उम्र के विद्यार्थियों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, हम शिक्षक को जिम्मेदार मानते हैं और मीडिया को यह विषय अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार हो। भारत शिक्षा का आदि गुरु रहा है। मैं बिहार में था कुछ साल और मुझे नालंदा जाने का अवसर मिला, तो वहाँ जो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसे हम लोग दुनिया का पहला शिक्षालय मानते हैं, बाद में आक्रांताओं ने उसे भी जलाया, नष्ट किया, उसके खंडहर जो है उनको देखकर रोमांच पैदा होता है, गर्व होता है अपनी संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी परंपरा पर, अपनी सनातन जीवन शैली पर। हम क्या थे शिक्षा के क्षेत्र में उस समय, पूरी दुनिया के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने नालंदा आते थे, और आज हम अपने बच्चों को दुनिया के दूसरे शिक्षा केंद्रों में भेजने की जरूरत समझते हैं और उसमें गर्व का अनुभव करते हैं। तो ये एक पतन है जिसको ठीक किए बिना विश्वगुरु तो हम नहीं बन सकते और कुछ भी बन जाए। तो एक ये विषय है जिसमें मीडिया को अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए कि शिक्षा कैसे प्रतिष्ठित हो और उस क्षेत्र में हम कैसे प्रगति करें और हम कैसे दुनिया के विश्वगुरु बने। दूसरा विषय जिसका मैं संक्षेप में जिक्र करूंगा, हमारी पूरी जीवन शैली में, रग रग में, हमारे रक्त में व्याप्त हो चुका भ्रष्टाचार। बहुत कष्टप्रद स्थिति है, सब लोग उसको भोग रहे हैं, और उसकी भी वजह यही है कि हम अपने संस्कार भूले, अपने मूल्य भूले। पाश्चात्य जीवन शैली हमें आकर्षित करती है, हमारे पास बड़ा मकान होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे बच्चे विदेशी संस्थानों में पढ़ें, आदि आदि सारे ऐश्वर्य होने चाहिए। लेकिन चूंकि हम अपनी मेधा से और अपने परिश्रम से वो सब अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए हम भ्रष्टाचार करते हैं, और ये हर स्तर पर है भ्रष्टाचार। किसी कार्यालय के बाहर स्टूल डालकर बैठे चपरासी से लेकर और जिस शिखर की हम कल्पना कर सकते हैं अपनी कार्यप्रणाली में, अपने सिस्टम में, हर जगह ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार के आरोपितों की वजह से हमारे देश की जेलों में कई, उनकी क्षमता से कई कई गुना कैदी हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह हमारे देश में फैल चुका है। मीडिया को विचार करना चाहिए कि इस समस्या को कैसे धीरे धीरे कम किया जाए और अंत में खत्म किया जाए। मीडिया की अहम भूमिका होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तीसरा विषय है, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं, तीसरा विषय है नारी सम्मान। बहुत लज्जित करने वाली स्थिति है, रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है। जिस देश में हम नवरात्र मनाते हैं साल में दो बार, देवियों के मंदिर हैं, देवियों की पूजा करते हैं, देवियों को प्रसाद चढ़ाते हैं, उस देश में नारी के प्रति, बच्चियों के प्रति इतना सम्मान, इतनी क्रूरता, ये बहुत लज्जाजनक है। और ये रहते भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, पूरी दुनिया में बहुत बदनामी है भारत की इस बात के लिए। आज भी मैंने सुबह अखबार में खबर पढ़ी, इंदौर में ये 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 9 साल की बच्ची। हमारे यहाँ बच्चियों के पैर धोए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये परंपरा बना रखी है कि कोई भी सरकारी आयोजन होता तो उससे पहले कन्या पूजन करते हैं, कन्या के पैर धोते हैं, वो देवी होती है कन्या। स्त्रियों का बहुत सम्मान था इस देश में, उस देश में नारी का इतना सम्मान, नारी के प्रति इतनी क्रूरता, इसके रहते भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। मीडिया को समझना चाहिए कि कैसे इसे नियंत्रित किया जाए और मीडिया अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकता है। और चौथी और अंतिम बात कह के मैं फिर अब समाप्त करूंगा, किसानों की बदहाली। बेशक पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन अधिकतर लोग गांव से जुड़े होंगे और कभी न कभी अपने गांव जाते ही होंगे, तो ये समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि इस देश में
किसान अभी भी किस तरह से राजनीतिक प्राथमिकता में सबसे नीचे हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है। ना उनके पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वो ना पर्यटन करते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, और किसान एकमात्र ऐसा उत्पादक है इस देश में जिसे अपनी उपज का मूल्य खुद तय करने का अधिकार नहीं है। सरकार MSP तय करती है और हर साल 10-20-25 रुपए बढ़ा के मानो किसानों को उपकृत करती है। इसलिए मीडिया को किसानों की खुशहाली को अपना एजेंडा बनाना चाहिए, उसके लिए देशव्यापी अभियान चलना चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व को मजबूर किया जाना चाहिए कि जब तक देश के किसान खुशहाल नहीं होंगे, वो देश के बाकी नागरिकों की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते, तब तक ये देश अच्छा देश नहीं माना जाएगा और कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये कुछ बातें जो मुझे लगी, बाकी कुछ बातों का अन्य वक्ताओं ने जिक्र किया और अभी बहुत विद्वान वक्ता बैठे हुए मंच पर, तो मैं बहुत ज़्यादा करीब मैंने दोगुना समय ले लिया जितना मुझे आवंटित था, उसके लिए मैं हेमलता दीदी से क्षमा मांगता हूँ और अपनी बात अब तुरंत खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।